सिलिकोसिस बीमारी से फिर एक युवक की मौत। सिलिकोसिस बीमारी लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। आए दिन सिलिकोसिस बीमारी से लोगों की मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर एक 35 वर्षीय युवक की सिलिकोसिस से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेमंत पुत्र तेज सिंह निवासी नगला तिरखा काफी दिनों से सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित था। कल तबियत बिगड़ी देख परिजनों ने बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती किया, जहाँ तबियत बिगड़ी देख डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ले जाते वक्त रास्ते में हेमंत ने दम तोड़ दिया, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए बयाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां कोतवाली पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम का शव परिजनों को सौंप दिया। ये हमारे भाई पोस्टमार्टम कल लेके आए थे, तो कल यहां बयाना लेके आए, बयाना से फिर रास्ते में ले जाते समय भरतपुर दम तोड़ दिया उन्होंने, और फिर आज हेमंत ये अस्पताल में लेके आए। कल यहाँ से फिर भरतपुर ले जाने समय रास्ते में दम तोड़ दिया। गांव नंगला तिरका, जाति कोली। और अब बोलो कि मेरा भाई फला सिंह उम्र 36 साल, गांव नंगला तिरका। सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित, बहुत पीड़ित थे, और आज पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं।